सहकारिता मंत्री बनने के बाद पहली बार रामपुर पहुंचे जेपीएस राठौर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ रहना रहा आपको सुनाते हैं। रामपुर पहुंचे हैं सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज आप रामपुर आए हैं, सहकारिता मंत्री बनने के बाद पहली बार आपका रामपुर आगमन हुआ है, अभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की है आपने, क्या दिशा निर्देश दिए? ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको रामपुर और हरदोई का प्रभारी का दायित्व दिया है। उस दायित्व के निर्वाह के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, तो उसमें संगठन के साथ बैठक बातचीत करना और प्रशासन के साथ करना। तो पहले आज संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, फिर उसके बाद कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी हमारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मंत्री बलदेव अलख जी और सभी विधायक उपस्थित रहे, सांसद जी रहे। कार्यकर्ताओं के मिलने जुलने से पता चलता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं और ज़िले में क्या चल रहा है। खासतौर से ज़िले में कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य अच्छा होना चाहिए और सभी कार्यकर्ता एक दिशा में काम करना चाहिए। अगर कहीं कोई भटकाव होता तो उसका परिणाम फिर ठीक नहीं आता है। तो सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए मैंने कहा कि थोड़ा बहुत 19-20 अगर हो तो भी आपको एक साथ काम करने की आदत होनी चाहिए, और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और मुझे बहुत तसल्ली हुई है जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की सबकी बात सुनी है मैंने, कि सब लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। अच्छा सर, ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार 100 में से 4 लोग बेरोजगार हैं, सरकार कह रही है, लेकिन हर सड़क चौराहे पर सांड स्वागत कर रहा है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और बिजली के जो दाम है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं अखिलेश यादव के बयान को? ऐसा है कि अब मैं क्या बताऊँ आदरणीय अखिलेश जी को, कि वो कोई ऐसी मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं जो जनता को अपील करे। आज आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सांड की समस्या कहाँ है, क्या है, और ये क्यों उठा रहे हैं, उसके पीछे मंशा क्या है। इसके पीछे मंशा केवल स्लाटर हाउस चलवाने की है, ना कोई सांड से उन्हें समस्या है ना कोई तकलीफ है, लेकिन वो इसलिए मुद्दा बार बार उठा रहे हैं ताकि जो अवैध स्लाटर हाउस चल रहे थे, अखिलेश यादव जी के शासनकाल में 186 स्लाटर हाउस चल रहे थे, जिसमें केवल 46 ने लाइसेंस ले रखा था और बाकी 140 लाइसेंस के बिना अवैध रूप से संचालित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सब बंद कराए और जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, ऐसे 12-13 स्लाटर हाउस और बंद किए गए। तो जो नियम से चलेंगे वही चल पाएंगे, अखिलेश जी को वही तकलीफ।